करना है इंटरव्यू क्लियर तो वीडियो लास्ट तक देख लो। नेपाल के एक भाई का भी मैंने इंटरव्यू क्लियर कराया है। भाई ने मेरे साथ यूट्यूब पे कमेंट करके कॉन्टैक्ट किया था। भाई को मैंने सब समझाया, कैसे लिंक को क्लिक करना है, कैसे उसको आंसर सबमिट करना है, क्या क्या आंसर देने चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा नर्वस था तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया एक बार बात करके। तो अगर आप ये कॉन्फिडेंस चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। प्रूफ भी दिखा देता हूँ भाई का। भाई ने मेरे साथ बात की थी, देखो ऊपर नंबर भी शो रहा होगा नेपाल का, पूरा तो नहीं है नंबर, साइड में शो भी कर दूंगा नेपाल का है भाई, नीचे लिख भी रखा होगा उसने, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एलबी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हो अपना इंटरव्यू क्लियर करना तो ये वीडियो कंप्लीट देख लें। सभी के सभी आंसर बताने वाला हूँ, क्या क्या उस नेपाल वाले भाई ने अपने दिए थे। उसने मेरे पास सभी के सभी नोट करके आंसर सेंड किए हैं, मैं वही सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई को यह ईमेल आई थी जो सभी के पास आती है, जिसमें क्लिक करना होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लिखा आता है। सबसे पहले भाई ने इसको क्लिक किया, उसके बाद भाई के पास ये पेज ओपन हुआ था, ये देख लो, साइड में सब कुछ शो कर दूंगा। उसके बाद भाई ने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्वेश्चन था उनका कि शो योर पासपोर्ट फ्रंट पेज एंड टेल योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो सिंपली आप अपना ऐसे फ्रंट पेज निकाल के ऐसे शो कर देना और अपना नाम बता देना जो भी होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए 30 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद अपना आंसर सबमिट कर देना। अगर आपको लगता है कि आपने आंसर कुछ गलत बोल दिया या फिर कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप दोबारा एक रीटेक ले सकते हो, फिर दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जो उनसे उसमें से अच्छी लगे उसको सबमिट कर देना। तो ऐसे ही फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन था भाई का कि उनके पास लिखा है था कि कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर तो आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर मैंने सिंपली मैंने भी नो ही बोला था और उस भाई ने भी नो ही बोला, क्योंकि प्लस टू की बात थी हमारी। तो भाई ने बोला था आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि आपके पास कोई वीज़ा रिजेक्शन है, या फिर आप अगर वीज़ा रिजेक्शन है तो क्यों था या फिर कौन सी कंट्री का था, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर हमारा कोई वीज़ा रिजेक्शन नहीं था, सिंपली बोला था आई डोंट हैव एनी वीज़ा रिजेक्शन। तो उसके बाद था कि आप अपनी जो लिविंग एक्सपेंस है और फीस है वो आप कैसे पे कर रहे हो। तो सिंपली जो मैंने बोला था कि विद माई फादर सेविंग अकाउंट आई विल पे ऑल एक्सपेंसिस एंड फीस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई के पास वो था आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका सिंपली आंसर यही था आई डोंट हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और आपको साइड में शो कर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ लीडिंग ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फैसिलिटीज एंड एजुकेटर प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी स्टडी ऑप्शंस। इट्स प्रोवाइड अ यूनिक काइंड ऑफ एजुकेशन एंड अ लर्निंग स्टाइल दैट एनकरेज वन ऑफ द इनोवेटिव क्रिएटिव एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। वैसे वीडियो ऐसे ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो मैं आपको सारा कुछ साइड में ही शो कर दूंगा, ये भाई के आंसर है, ये देख लो आप। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई का वो था वाई डिड यू चूज दिस कोर्स एंड टेल योर नेम ऑफ द कोर्स, मतलब कि जो फुल नाम बताना है अपने कोर्स को और कोर्स आपने क्यों चुना। तो आप सीधा बोलोगे द फुल नेम ऑफ माई कोर्स, जो भी आपके कोर्स का नाम होगा आप वहाँ पे बोल देना। उसके बाद भाई ने रीज़न दे रखा कि क्यों चूज़ किया था। द मेन रीज़न फॉर मी चूजिंग अ बैचलर इन आईटी इज बिकॉज ऑफ माई ड्रीम टू बिकम अ कम्पिटेटिव पेनिट्रेशन टेस्टर एंड टू क्रिएट अ सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट बाय सिक्योरिंग ऑल द डाटाज ऑफ पीपल इन फ्यूचर एंड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम वेरियस साइबर क्राइम्स। ये भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो भाई ने सेंड कर रखा, ये भी आपको साइड में शो कर दूंगा। और तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फ्यूचर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर कोर्स। तो इसमें भाई ने बोल रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ माय बैचलर्स डिग्री फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आई हैव बीन डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंगशिप एंड यूटिलाइज थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज ड्यूरिंग द पीरियड। हैविंग एन इंटरनेशनल डिग्री एंड वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट विल मेक माई सर्कुलम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड कैन हैव गुड करियर। ये भी आपको साइड में ही पता लग जाएगा, शो कर दूंगा मैं, ये भी देख लो, अपने भाई ने सेंड कर रखा मेरे पास।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैं अपने जो मेरे पास आया था और भाई के पास भी आया था, मैं आंसर आपको अपने वाला बता रहा हूँ। व्हाई डिड यू चूज वीयू यूनिवर्सिटी सिडनी? तो आपको सिंपल इसमें यही आंसर देना है, बिफोर टेकिंग माई डिसीजन आई कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन मैनी यूनिवर्सिटीज। वेन आई लुक टू विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आई डिस्कवर डैट इट फोकसिज ऑन ऑफरिंग वेराइटी ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स इंक्लूडिंग रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। मोर ओवर ड्यूरिंग माई रिसर्च आई फाउंड डैट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड द प्रोग्राम ऑफ माई चॉइस। एडिशनली आर न्यू टीचिंग मॉडल एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इज वेरी इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल। और इसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, वो लाइन आप खुद से ऐड कर लेना। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई का वो था कि आपने अपनी कंट्री क्यों नहीं चुनी स्टडी के लिए? तो भाई ने अपना लिख रखा आंसर, माई रीजन फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया ओवर नेपाल फॉर माई बैचलर्स डिग्री। फर्स्टली नेपाल इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम इन नेपाल इज लैकिंग इन स्किल्स। एंड आपको ये भी मैं पूरा ही साइड में शो कर दूंगा, ये देख लो आप, काफी बड़ा आंसर है और भाई ने सेंड कर रखा ये। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपना इंटरव्यू क्लियर करो तो ये सभी आंसर आपने बिल्कुल एक जगह नोट कर लो और इनकी प्रैक्टिस कर लो। पहले इंटरव्यू देने से पहले पहले किसी अपने आगे बिठा के उसको इंटरव्यू दो, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक फॉर्मेलिटी ही है ये, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा या फिर क्या हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा, आपकी जो भी डाउट होंगे जरूर क्लियर होंगे। और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए। और मेडिकल हो गया, जीटी प्रोसेस हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डिफरेंस हो गया, सभी वीडियोस मैंने बना दिए हैं, वो भी आप देख लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।